औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन, इस वक्त हम बैनुल हरमैन शरीफ़ैन में हैं और 13 जमादुस सानी शहादत जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाहि अलैहा मादरे जनाब उम्मुल फजल अब्बास, जिनको कहा जाता है कि यानी क्या मौला अब्बास की माँ जनाब उम्मुल बनीन, यानी चार बेटों की माँ जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात की तारीख 13 जमादुस्सानी है। आप ज़रा तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, सोचें कि जनाब उम्मुल बनीन वो ख़ातून हैं कि जिन्होंने अपने चारों बेटे इसी करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कुर्बान कर दिए। और इतना ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बान नहीं किए, नहीं, जनाब उम्मुल बनीन ने अपने बेटों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कुर्बान किया है। लेकिन जब ये वाकई करबला हो चुका, होने के बाद जब ये काफिला शाम पहुंचा, शाम में पहुंचने के बाद फिर एक मुनादी है, सदा देता है। क्या सदा देता है मालूम है? सदा देता है, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि हुसैन इब्ने अली कत्ल कर दिए गए, हुसैन इब्ने अली शहीद कर दिए गए। यह सदा जैसे ही जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने सुनी, फौरन ही दौड़ के आई, कहती हैं मुनादी तू ये क्या कहता है, तू किस हुसैन की बात कर रहा है? तभी वो कहता है कि मैं हुसैन इब्ने अली की बात कर रहा हूँ। तभी जनाब उम्मुल बनीन कहती हैं मुझे यकीन नहीं होता है कि हुसैन इब्ने अली शहीद कर दिया जाए जिसके साथ मेरा अब्बास हो, उस हुसैन को शहीद कर दिया जाए। कहाँ का मेरे अब्बास, मेरा अब्बास उस वक्त कहाँ था? तभी मुनादी कहता है, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत को बयान करता है। तभी उसने एक जुमला बयान किया शहादत का मौला अब्बास की, और फूट फूट के रोने लगा और जनाब उम्मुल बनीन ज़मीन के ऊपर गिर कर बेहोश हो गई। उसने एक जुमला कहा, बीबी तुम्हारे बेटे ने तो हक अदा कर दिया, लेकिन जब आपके बेटे अब्बास के बाजू काटे गए हैं ना करबला के मैदान में, कानून यह है कि जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है तो सबसे पहले अपने हाथ टेक देता है, लेकिन ऐ बीबी जब तुम्हारा बेटा अब्बास करबला के मैदान में जीन से ज़मीन पे जब आया ना, हाथ नहीं थे, हाथ कट चुके थे, तुम्हारा अब्बास मुंह के बल ज़मीन के ऊपर गिरा। इतना सुनना था, जनाब उम्मुल बनीन बहुत तड़प के क्रिया करी। जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शहादत 13 जमादुस्सानी वफ़ात है, और आप तमाम मोमिनीन की जानिब से हम ज़ियारत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करता हूँ मैं कुर्बतन इल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबादिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम मोमिनीन की जानिब से ज़ियारत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पेश करता हूँ मैं कुर्बतन इल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबुल फजल अब्बास, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करते हैं खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदक़े में आप सबको भी जल्द से जल्द करबला मुकद्दसा की ज़ियारत नसीब।